नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की बढ़ाई परेशानी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नारी शक्ति वंदन बिल पर गरमाने लगी सियासत, जद्दू ने बताया चुनावी स्टैंड, तो लोजपा नेत्री ने पीएम को दिया धन्यवाद। तूल पकड़ता जा रहा है सेंट जोसेफ स्कूल का मामला, एबीवीपी ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। पंद्रह दिनों के भीतर रूसा फंड की रिपोर्ट जमा करने का कुलपति ने दिया निर्देश, टेंडर से बिकेगा रद्दी सामान। और शहर में बढ़ता ही जा रहा है डेंगू का प्रकोप। और अब समाचार विस्तार से। बिहार में एक बार फिर मॉनसून सक्रिय हो गया है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। अगले तीन दिनों तक राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। भागलपुर समेत प्रदेश भर में मॉनसून 72 घंटे तक प्रभावी रह सकता है। इसके कारण अधिसंख्य स्थानों पर हल्की से भारी वर्षा की संभावना है। बिहार के कई इलाकों में वज्रपात एवं मेघ गर्जन की संभावना भी है। सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, खगड़िया और मुंगेर जिले में ऑरेंज अलर्ट, जबकि मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली और पटना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर भागलपुर में गुरुवार की देर रात शुरू हुई बारिश आज शाम तक होती रही। सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और रुक रुक कर पूरे शहर में हल्की बूंदाबांदी होती रही, जबकि दोपहर में हुई तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई। इसके पूर्व स्कूल की छुट्टी के समय में हुई वर्षा से बच्चों के अभिभावक भी परेशान दिखे। वहीं रुक रुक कर हो रही बारिश से आम लोगों के अलावा छात्र छात्राएं भी काफी परेशान हैं। बारिश के बाद तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी हॉस्टल जाने वाले रास्ते में लबालब पानी भर गया, जिस कारण छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले तीन दिनों तक मॉनसून की सक्रियता बनी रहेगी। इधर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि 23 से 25 सितंबर के बीच भागलपुर में आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, साथ ही मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान पूर्वी हवा चलने की संभावना है। हवा की औसत गति 18 से 22 किलोमीटर प्रति घंटा सकती है। महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया है। बिल पारित होने के साथ अब इस पर सियासत देखने को मिल रही है। जदयू के भागलपुर जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने में बीजेपी क्रेडिट ले रही है। सच्चाई ये है कि महिला आरक्षण लागू होने में कई पेच हैं। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन बिल लाकर बीजेपी अपनी पीठ खुद थपथपा रही है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। जदयू प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि पीएम मोदी की ओर से पेश किया गया अधिनियम बिहार के एक विधेयक से प्रभावित है। बिहार में यह व्यवस्था बहुत पहले से है। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि साल 2006 में बिहार देश का पहला राज्य बन गया जहां महिलाओं को स्थानीय निकायों और पंचायतों में 50% तक आरक्षण दिया गया। नीतीश कुमार ने साल 2005 में मुख्यमंत्री पद संभालने के साथ ही कई साहसिक कदम उठाते हुए ये फैसला किया था। मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती ने महिला आरक्षण विधेयक को चुनावी स्टैंड बताया, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी की प्रदेश महासचिव संगीता तिवारी ने केंद्र सरकार एवं एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को धन्यवाद करते हुए कहा कि हम महिलाओं में बिल पास होने से आत्मविश्वास बढ़ा है, ये नारी सशक्तिकरण की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल, ये जो उत्साह है ये एकदम समाप्त हो जाएगा, चूंकि भाजपा के समर्थित सरकार जो केंद्र में बैठी है, जुमलेबाजी वाली सरकार, आपने पिछले 5 वर्षों में 4 वर्षों में 9 वर्षों में देखा होगा। नोटबंदी लाया इन्होंने, किसान बिल लाया, उस समय तो टेक्निकल कोई ट्रेडिशन नहीं लगाया, कोई शर्त नहीं लगाया, और आज महिला बिल आरक्षण ला के इन्होंने शर्त लगा दिया। क्या शर्त लगा दिया कि जनगणना होगा, जाति जनगणना होगा, उसके बाद इसको पूर्णतः लागू किया जाएगा।
एक तरफ आप जाति जनगणना कराते नहीं हैं, उसका विरोध करते हैं, और दूसरी तरफ महिला बिल ला के कहते हैं कि जाति जनगणना के बाद इस बिल को पूर्णतः लागू किया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये आगामी लोकसभा चुनाव का स्टैंड है, ये बिल बिल्कुल नहीं है, ये जुमलाबाजी है। और रही बात महिलाओं के सशक्तिकरण का, तो आप पिछली रिकॉर्ड को देख लें, हमारे जो पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वो 2005 में जब सरकार में आई बिहार राज्य में, 6 में तुरंत महिला को आरक्षण दिया, 50% आरक्षण पंचायती राज चुनाव में और नगर निकाय चुनाव में हमारे नेता ने देने का काम किया। पुनः जब 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी, तुरंत सरकार बनने के बाद वर्ष 2016 में पुनः महिला को आरक्षण देने का काम किया, 35% सभी सरकारी नौकरियों में महिला का आरक्षण मिला, पुनः 33% महिलाओं को आरक्षण, और आज आप देख लें पूरे बिहार में कि कई लाख जीविका समूह के माध्यम से महिला दीदी महिला साथी जुड़ गई हैं। तो महिला सशक्तिकरण का पूरा पूरा काम हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है, इस बिल का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ, लेकिन ये जुमलेबाजी है, चुनावी स्टैंड है और कुछ भी नहीं है। आप ये ठगना चाहते हैं, ये आगामी जो चुनाव है महिलाओं को ये जुमलेबाजी निर्णय के साथ बिल के साथ ठगना चाहते हैं। 33% आरक्षण जो हमें मिला है, मैं धन्यवाद देती हूँ इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिन्होंने इस बिल को पास करवाया। साथ में मैं धन्यवाद देती हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को जिन्होंने बार बार संसद में इस बात को उठाया कि महिला आयोग का मांग उठाया, और साथ में वो बार बार युवा आयोग का भी मांग उठा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस बिल को पास करवाने के लिए अपना वोट किया, इसलिए हमारे लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और जहां तक ये बिल पास हुआ है, हम महिलाओं में ऊर्जा आएगी और एक शक्ति आई है, और हम लोग जो राजनीतिक क्षेत्र है उसमें बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लेंगे। साथ में एक खुशी और है कि हमें जो फायदा मिला, लाभ मिला, वो मिलेगा, लेकिन इससे आने वाली पीढ़ी को बहुत ही लाभ होने जा रहा है। इसके लिए मैं उन समस्त महिलाओं को धन्यवाद देती हूँ कि ये बिल हमारे लिए बहुत ही खुशी लेकर आया। भागलपुर के सेंट जोसेफ स्कूल में कुछ दिन पूर्व एक छात्रा के साथ दो स्पोर्ट्स टीचर के द्वारा किए गए छेड़खानी को लेकर पीड़ित छात्रा के पिता ने थाने में FIR दर्ज कराया था, जिसके बाद दोनों गेम टीचर मुकेश प्रसाद और प्रिंस यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं सेंट जोसेफ स्कूल में छात्रा के साथ हुए छेड़खानी में प्राचार्य की संलिप्तता की जाँच एवं सभी दोषियों पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर इकाई लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसको लेकर आज उन लोगों ने भागलपुर के समाहरणालय गेट कचहरी चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जरूरत है समाज को अब स्वयं जागने की, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी ऐसे स्कूलों में पढ़कर संस्कारहीन बनेगी और अभिभावकों को मुखदर्शक बनकर सब कुछ सहना पड़ेगा। कुणाल पांडे ने कहा कि वैसे थाना प्रभारी जिसने निहत्ते कार्यकर्ता पर लाठी चलाकर गिरफ्तार किया, उसके ऊपर और स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई हो। मौके पर ABVP के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। छात्रा के साथ दो शिक्षकों ने मिलकर जिस तरह से दरिंदगी की, उसके बाद से हम लोगों ने पुतला दहन करने का प्रयास किया, हमारी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से हम लोग जो है लगातार इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। कल भी हमारा पुतला दहन हुआ, आज भी हुआ। हमारी मांग है कि वैसे थाना प्रभारी जिसने निहत्थे कार्यकर्ता पर लाठी चलाकर मुझे गिरफ्तार किया और उसके बाद प्रिंसिपल पर कार्रवाई हो, स्कूल प्रबंधक पर कार्रवाई हो, स्कूल पर ताला लगे, हमारी यही मांग है। और हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, आज धरना प्रदर्शन, यहाँ हमारी मांग यही है। स्पष्ट रूप से जिस स्कूल में नशाखोरी का धंधा चल रहा है, क्या धर्मांतरण का मुद्दा चल रहा है, जहाँ अगर देखेंगे बहन बेटियों का अपमान कराया जा रहा है, वैसे स्कूल के खिलाफ हमारी कार्रवाई की मांग है, अन्यथा विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते रहेगी। ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक उस बहन को न्याय नहीं मिलेगा। आज का धरना का आयोजन इसलिए है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विगत दिनों जिस प्रकार से हमारी बहन बेटियों की
इज्जत को तार तार, गुरु शिष्य परंपरा को तार तार, सेंट जोसेफ स्कूल के प्राचार्य के संरक्षण में, प्राचार्य के संरक्षण में वहाँ के दो शिक्षकों के द्वारा किया गया। हमारी मांग जिला प्रशासन से यह है कि वहाँ के त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ के प्राचार्य को, जो तथाकथित फादर है, उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको प्राचार्य के पद से हटाकर उनके ऊपर जांच कमेटी बैठाकर निष्पक्षता के साथ जांच हो तथा उनकी गिरफ्तारी हो। और उनके उनकी गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी, विद्यार्थी परिषद लगातार आंदोलन करेगी। और उनके ऊपर तथा स्कूल प्रबंधन के अंदर जो खेल चल रहा है, आज हमारी एक लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि वहाँ के वाइस प्रिंसिपल जो जस्टिन, फादर जस्टिन है, उनके उनके ऊपर भी शिकायत करने के लिए जब छात्रा वहाँ पे थाना पहुंची थी तो उनको लौटा दिया गया। ऐसे विश्वविद्यालय थाना प्रभारी जो कि दुर्व्यवहार की भावना से लगातार विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज व गिरफ्तारी किए हैं, उनके ऊपर भी निलंबन हो, उनका भी निलंबन हो तथा प्राचार्य के ऊपर हर हाल में कठोर से कठोर कार्रवाई हो, प्राचार्य का निलंबन हो तथा विद्यार्थी परिषद आगे जनता की अदालत में जाएगी, समाज के बीच में जाएगी, समाज से आह्वान करेगा कि ऐसे विद्यालय तथा प्राचार्य जो तथा कथित फादर और सिस्टर है, उनका निलंबन करे, हम लोग उनका बायकॉट करें और हम जनता की अदालत में जाकर न्याय पद यात्रा के माध्यम से भागलपुर के लोगों को इस न्याय पद यात्रा से जोड़ेंगे। और जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, हम बहन बेटियों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने शुक्रवार को लालबाग स्थित अपने आवासीय कार्यालय में टीएनबी कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, एसएम कॉलेज और सबौर कॉलेज के प्रभारी प्राचार्यों के साथ रूसा फंड के यूटिलाइजेशन को लेकर बैठक किया। कुलपति ने बैठक में उपस्थित चारों कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को 15 दिनों के भीतर रूसा मद की राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को सौंपने का निर्देश दिया। साथ ही चारों कॉलेज के प्रिंसिपल से रूसा फंड की अद्यतन जानकारी भी प्राप्त की। कुलपति ने बताया कि सभी कॉलेजों में रद्दी एवं पुराने लोहे, पुराने वाहन समेत कई अयोग्य सामान को बेचने के लिए केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत टेंडर के माध्यम से जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा मूल्यांकित करके विक्रय की प्रक्रिया की जाएगी। इसके लिए सभी कॉलेजों को पत्र भेजा जाएगा। साथ ही कुलपति ने मारवाड़ी कॉलेज और सबौर कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य को सामानों की खरीदारी जैम पोर्टल के माध्यम से करने के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया। बैठक में रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार, डीओ अनिल कुमार सिंह, टीएनबी कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर एसएन पांडे, सबौर कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर कामनी दुबे, मारवाड़ी कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर शिव प्रसाद यादव और एसएम कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह उपस्थित थे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पूरे प्रदेश भर में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिन ब दिन बढ़ते मरीजों के आंकड़े बेहद चिंताजनक है। वही बारिश के इस मौसम में संक्रमण बढ़ने का खतरा और भी बढ़ गया है। डेंगू संक्रमितों में इस बार अलग अलग तरह के लक्षण पाए जा रहे हैं। शहरी हो या ग्रामीण, सभी क्षेत्रों में डेंगू का लार्वा लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। वही अस्पतालों के डेंगू वार्ड में मरीजों से बेड फुल है। जांच करवाने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी रहती है और मरीज
अपने परिजन के साथ घंटों रिपोर्ट आने के इंतजार में बैठे रहते हैं। गुरुवार को भागलपुर में 47 नए मरीज डेंगू पॉजिटिव पाए गए। इनमें मायगंज अस्पताल में 41 और सदर अस्पताल में 6 मरीज हैं। ये इस सीजन में एलिजा कंफर्म मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। हालांकि काफी संख्या में मरीज अस्पताल से स्वस्थ होकर घर वापस भी जा रहे हैं। स्वास्थ्य महकमा डेंगू के इलाज में लगातार सक्रिय बना हुआ है। भागलपुर के सेंट जोसेफ स्कूल में हुए 9वीं की छात्रा के साथ छेड़खानी मामले में शहर के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। लोग दोषी शिक्षक से ज्यादा स्कूल प्रबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। वही छात्रा के परिजन की शिकायत पर दोनों खेल शिक्षक मुकेश कुमार और प्रिंस यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इधर पूरे मामले पर स्कूल के प्राचार्य फादर अमलराज की चुप्पी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। शहर में हुई इस घटना को लेकर भागलपुर नगर निगम की पूर्व डिप्टी मेयर से भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि एक प्रतिष्ठित विद्यालय में इस तरह की घटना होना और घटना को दबाने की कोशिश किया जाना बेहद निंदनीय है। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि स्कूल के अंदर छात्र छात्राओं की सुरक्षा का दायित्व स्कूल का है, ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। साथ ही उन्होंने छात्राओं की सुरक्षा के लिए विमेन सेल का गठन करने की मांग की। इधर लोक जनशक्ति पार्टी की प्रदेश महासचिव संगीता तिवारी ने सेंट जोसेफ में हुई घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस घटना से भागलपुर वासियों में खासकर महिलाओं में काफी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही कहा कि जब वहां सीसीटीवी लगा हुआ था तो उसकी जाँच क्यों नहीं की गयी। सभी के लिए प्रश्न है कि कैसे हम किसके भरोसे अपनी बच्चियों को महफूज रखें। जिस प्रकार से स्कूल कैंपस के अंदर ऐसी घटना घटित हुई है, ठीक है प्रशासन ने आरोपित की गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्कूल में जो सिस्टम जो कार्य करता है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए, वहाँ पर प्रॉपर निगरानी होनी चाहिए। कहीं पर भी विद्यालय में छात्र छात्राएँ जो पढ़ाई करते हैं तो उनकी सुरक्षा की भी गारंटी उस विद्यालय की होती है। इस विद्यालय का पूरा ये कर्तव्य बनता है कि जब कोई भी छात्र छात्रा उनके कैंपस में जब तक हैं तब तक उनकी मौजूदगी में उनकी सुरक्षा प्रदान करना यह विद्यालय का कर्तव्य बनता है। तो जब इस प्रकार की घटना हम लोग के सामने आई तो मुझे बहुत बुरा लगा इस बात को लेकर कि हमारी बेटियां आज भी असुरक्षित हैं। और यह जो व्यवस्था बनाने की बात है तो अब हर एक विद्यालय प्रबंधन को और प्रशासन को इसमें विशेष रूप से देखना चाहिए कि हर एक विद्यालय में जो इस प्रकार की घटनाएं घटित ना हो इसके लिए एक सेल का गठन होना चाहिए, एक वुमेन सेल का गठन होना चाहिए। और खासकर ये फिजिकल एजुकेशन या फिर अन्य कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए कोई यदि प्रशिक्षक होते हैं और यदि वहाँ पे कोई छात्राएं पढ़ती हैं तो उसके लिए एक फीमेल टीचर की भी प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए ताकि वो अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर सकें। ये आज पकड़े गए, गिरफ्तार हो गए, कल ये बेल पे छूट जाएंगे, फिर ऐसी घटनाओं को ये अंजाम देंगे। तो ऐसे लोगों के लिए मैं सरकार से मांग करूंगी कड़ी से कड़ी कानून आना चाहिए और जो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं बीच चौराहे पे लटका कर इनको फांसी की सजा दे देनी चाहिए ताकि दोबारा ये लोग ऐसी घटना करने से पहले इनका जिस्म जो है वो थरथरा जाए और सोचे कि हमें ऐसी घटनाएं नहीं करनी है। और दूसरी बात, गिरफ्तारी हुई है लेकिन जो फादर, जो स्कूल के फादर हैं, सबसे पहले तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पूर्व में भी एक घटना सेंट जोसेफ स्कूल में हुई थी जो एक लड़के को डेस्क से पीट पीट कर एक टीचर ने मार दिया था। उस समय भी काफी हंगामा हुआ था और जहां तक मेरे नॉलेज में है, मेरी जानकारी में जहां तक है कि उस समय फादर जो थे वो वर्गीस, जो इनके जो फादर है वो वर्गीस हुआ करते थे और उस समय की घटनाएं भी भागलपुर को झंझोर कर रख दिया था और ये दूसरी घटनाएं सेंट जोसेफ की है। तो इसमें फादर की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, स्कूल प्रबंधक की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की बढ़ाई परेशानी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नारी शक्ति वंदन बिल पर गरमाने लगी सियासत, जद्दू ने बताया चुनावी स्टैंड, तो लोजपा नेत्री ने पीएम को दिया धन्यवाद। तूल पकड़ता जा रहा है सेंट जोसेफ स्कूल का मामला, एबीवीपी ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी।
15 दिनों के भीतर रूसा फंड की रिपोर्ट जमा करने का कुलपति ने दिया निर्देश। टेंडर से बिकेगा रद्दी सामान। और शहर में बढ़ता ही जा रहा है डेंगू का प्रकोप। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।